नमस्कार, मैं हूं अमितेश। गाजीपुर के सियासी परिस्थितियों को लेकर के अगर बात की जाए तो अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि कौन सी पार्टी किसको कैंडिडेट बनाएगी। अफजाल अंसारी का नाम काफी पहले ही समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया था। इस बीच सबकी निगाहें बीजेपी और बीएसपी की ओर टिकी हुई थी। बीएसपी ने भी आज बुधवार को 10वीं सूची में गाजीपुर और बलिया की सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। गाजीपुर से बीजेपी ने पीएन राय को अपना कैंडिडेट बनाया है और बसपा की ओर से भी कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक किया जाना बाकी है। अब जबकि गाजीपुर की संसदीय सीट की लड़ाई बीजेपी बनाम एसपी मानी जा रही थी, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के चेहरे सामने हैं। आम वोटर्स क्या राय रखते हैं, सियासी लड़ाई किसके हक में होगी, किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे, इस पर हम एक राय शुमारी करने के क्रम में यहाँ गाजीपुर के फूलनपुर इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या उनके लोकसभा चुनाव को लेकर के राय है। आप अपना परिचय दीजिए। शशांक उपाध्याय। शशांक, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अब बीजेपी और एसपी दोनों के ही कैंडिडेट के चेहरे सार्वजनिक हो गए हैं। पीएन राय को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, उधर से अफजाल अंसारी का नाम पहले डिक्लेयर हो चुका था। कितना रोचक या किस तरह का सियासी आप जो है कि फाइट देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के संबंध में? देखिए, गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल की राजनीति जाति के समीकरण पर रही है हमेशा से। चुनाव तो प्रत्याशी जो भी आएगा, वोट जो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा वो लेकर लड़ेगा, और बाकी जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो और कांग्रेस पार्टी का वोट लेकर अफजाल अंसारी जी लड़ेंगे चुनाव। अफजाल अंसारी जी की जमीनी पकड़ चुकी मजबूत है, उसके सामने नया चेहरा लाना ये भाजपा के लिए कठिन चुनाव हो जाएगा। और कहीं भाजपा के लिए कठिन तो होगा ही। पारस नथराय जी जिनके जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज इनका नाम सूची में आया है, इनका तो हमको लग रहा है कि राजनीति कभी तक इनके बारे में तो हम ही लोग नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे अभी इनका परिचय जानने में ही चुनाव तक नजदीक आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है। लड़ाई यहाँ पे सपा ने तो प्रत्याशी पहले से ही फाइनल था चेहरा उसका, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी आज घोषित किया गया है, जिसमें बीजेपी ने एक नया चेहरा को तो टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने एक स्वच्छ छवि के और बेदाग एक आम कार्यकर्ता को धरातल से उठा के लोकसभा का टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया। राजनीतिक तौर पे इसका माइलेज मिलेगा आपको लगता है? बिल्कुल मिलेगा। इसका तो ये लाभ मिलेगा कि एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी में लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है, और जो और भी जो लोग हैं उनका तो राजनीतिक करियर शुरू से ही था कि मतलब वो लोग चुनाव उस पार्टी से लड़ेंगे, चाहे जैसे भी लड़े। बाकी यहाँ पे पिछड़ा बाहुल्य सीट है गाजीपुर लोकसभा। लड़ाई यदि बसपा प्रत्याशी घोषित करती है उसके बाद यहाँ का राजनीति समीकरण देखा जाएगा कि लड़ाई किस दिशा में और किस मोड़ पे जा रही है। बीएसपी के लिए ऐसा प्रेडिक्शन जताया जा रहा है कि किसी सवर्ण को ही कैंडिडेट बना सकती है, इस तरह के सियासी हालात बनते दिख रहे हैं। किस तरह की त्रिकोणीय लड़ाई आप देखते हैं? यदि सवर्ण से बीएसपी टिकट देती है तो गाजीपुर की त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना है। उसमें लाभ किस दल को मिलेगा? उसमें लाभ त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी को पूरा पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि अगर ओबीसी कैंडिडेट अगर बीएसपी से कंटेस्ट करता है तो ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी और उसका माइलेज बीजेपी की ओर जाता दिखेगा। लेकिन खैर, सवाल वही है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जो कैंडिडेट हैं वो अकादमिक जगत से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपके मित्र ने बताया कि एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि नए चेहरे हैं सियासी तौर पर अगर कहा जाए तो। दोनों बातों के बीच आपको क्या लगता है, नया चेहरे होने का नुकसान होगा या एक आम कार्यकर्ता के तौर पर लोकसभा का उम्मीदवार होने का माइलेज मिलेगा? पहले तो हम अपना परिचय देते हैं। दीपक श्रीवास्तव, गाजीपुर से, फूलनपुर से। नए चेहरे का थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। कैसा, नकारात्मक कि सकारात्मक? नकारात्मक भी पड़ सकता है, सकारात्मक भी पड़ सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता है। बट मैं एक चीज और बता दूं कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और रही है। जो उसने मुद्दा जो भी उठाया उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण करके दिखाया। आज की जनता भी उस चीज को देख रही है। कुछ अज्ञानी भी ऐसे हैं जो कि कुछ गुणगान और गाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर जनता चाहे जिस पे विश्वास करके अपना वोटिंग करे, कैंडिडेट नया होने से भी मतलब नहीं है और पुराने से भी नहीं है।
वर्चस्व किसका है वो देखना है, और सही कार्य कौन कर रहा है, किसकी सरकार कर रही है, किसका वर्चस्व है इस समय। वर्चस्व तो इस समय बीजेपी का दिख रहा है और कार्य भी दिख रहा है, कार्यशैली भी हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता यहाँ की देख रही है। चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाजीपुर में जैसा कि आपके मित्र ने बताया कि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्या आपको लगता है कि अब तक दो दलों के चेहरे सामने आ चुके हैं, बीएसपी के पत्ते खुलने बाकी हैं, क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में ऐसे सियासी हालात बनेंगे कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी और बीएसपी जिस तरीके का चेहरा लाएगी उसका लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को होगा। अब देखिए ये तो उसके बाद डिपेंड करता है कि बीएसपी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन हाँ ये कह नहीं सकते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गाजीपुर से वही जीत सकता है जिसके पलड़े में बेसिकली यादव और मुसलमान वोट ज्यादा हो, साफ तौर पर कहा जाए तो। और यहाँ पे ये वोट जो है इस समय सपा के पार्ट ज्यादा है, तो चांसेस ज्यादा है कि सपा का जो भी उम्मीदवार यहाँ पे जो अफजल अंसारी है वो यहाँ पे जीत सकते हैं, उनकी जीतने की पूरी संभावना है। जहां तक मैं कह सकता पहले ही बताया था कि बीएसपी जो है यहाँ सवर्ण उम्मीदवार बना सकती है, तो अगर वो सवर्ण उम्मीदवार बनाती है, बीजेपी के पास भी सवर्ण उम्मीदवार हैं, तो जो वोट बटेंगे वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बटेंगे वोट्स की जी बिल्कुल। अच्छा। तो इसका जो फायदा है वो सपा को ही मिलेगा। अच्छा। क्योंकि उनके उनका जो वोट है ऑलरेडी ओबीसी वोट है वो सारा उनको ही जाने वाला है, और इनके अगर दोनों पार्टी के सवर्ण उम्मीदवार होते हैं तो इनका जो वोट है वो कट सकता है, आपस में डिवाइड हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट फायदा जो है कि सपा को मिल सकता है। देखिए अभी तक तो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित नहीं थे, जो कि आज उनकी लिस्ट आई है जिसमें श्री पारसनाथ राय जी को टिकट मिला है, और प्रत्याशी जिस कैंडिडेट को लोग बनाए हैं उसका दूर दूर तक अभी तक किसी भी राजनीतिक मैंने चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं रखा गया है, और एक ही बार उनको इतने बड़े चुनाव का जिम्मा दे देना ये भी ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव प्रबंधन से तो जुड़े रहे हैं, बताया जा रहा है सिन्हा जी जब भी चुनाव लड़ते थे उनके पूरे पोल मैनेजर्स में वो रहते थे सर। वो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी को लेने के लिए कम से कम एक जिम्मेवार कार्यकर्ता को भी एक बार उस पर विचार करना चाहिए था। चुनाव आपके मित्रों ने बताया कि साफ सुथरी छवि है, जमीनी कार्यकर्ता है, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, तो इसका क्या लाभ मिलेगा? इसका उतना उनको तो लाभ मिलना ही चाहिए जितना मैंने वो अपने फील्ड में संघर्ष किए हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि इसमें उनको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज है। तो ये थे गाजीपुर के स्थानीय लोग जिनसे हमने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की। ऐसी ही चर्चाओं को लेकर के हम अपने दर्शकों के लिए आते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।